आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का फूका पुतला। रेवाड़ी में हुए गैंगरेप मामले में जींद के नेहरू पार्क में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का पुतला फूका और कहा कि मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे। देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, जो खट्टारा सरकार के बस की बात नहीं है। हर रोज 24 घंटे के अंदर 3-3 महिलाओं के साथ गैंग रेप होते हैं, तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं, हमने आज बीजेपी सरकार का, खट्टर सरकार का पुतला फूंक करके विरोध जताया है कि हरियाणा के अंदर जो ये शासन लगा हुआ है, जो ये हर रोज़ महिलाओं के साथ गैंग रेप होते हैं, उनसे मुक्ति कब मिलेंगे। हम खट्टर साहब से पूछना चाहते हैं, अगर खट्टर साहब से बीजेपी सरकार से ये बस की बात नहीं है, तो नैतिकता के आधार पर उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि खट्टर साहब नामकरण करने में बहुत मशहूर है बीजेपी सरकार, तो इन्होंने एक नामकरण की अपनी दुकान खोल लेनी चाहिए, न कि हरियाणा को देखने की इनकी औकात नहीं है, हरियाणा के बस की बात नहीं है, संभाल नहीं सकते, तो इन्होंने अपने नामकरण की एक दुकान खोल लेनी चाहिए, न कि सरकार चलाने के ये काबिल हैं। तो मैं खट्टर साहब को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो मोदी तक जाए कि इन्होंने जो नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज इन्होंने नामकरण करके उसका बेटी उठाओ बेटी मरवाओ का नारे को साबित कर दिया है। और खट्टर साहब को हम कहते हैं कि आने वाले समय में 2019 में जनता आपसे, महिलाएं आपसे एक एक पाई पाई का, एक एक मिनट का, उनके हर दुख दर्द का हिसाब लेंगी। हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसी नकम्मी सरकार के जितना जल्दी हो उसके इतना बीजेपी ने चुनाव करवाने चाहिए, और लोगों का गुस्सा वो बहुत ही जल्दी उतरने वाला है चुनाव के टाइम।